हेलो, दिस इज काशिफ याकूब। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो है हाउ स्टोरी टेलिंग मेक्स यू अ बेटर लीडर। यस, स्टोरी टेलिंग किस तरह से आपको बेहतर लीडर बना सकती है। ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है इन सियाड नॉलेज में 31 जनवरी 2023 को, और इसके ऑथर हैं मैनफ्रेड एफ आर केट्स डिवरीज। यस, इस आर्टिकल में बात की गई है कि स्टोरी टेलिंग के जरिए आप किस तरह से एक बेहतर लीडर बन सकते हैं। इस आर्टिकल की डिस्कशन में स्टार्ट करूंगा रॉबर्ट मैकैफी ब्राउन की एक कोटेशन से, जिसमें वो कहता है कि स्टोरी टेलिंग इज द मोस्ट पावरफुल वे टू पुट आइडियाज इनटू द वर्ल्ड टुडे। देखिए, एक सीईओ होता है जो जो अपनी टीम को मोटिवेट करने में बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है। वो कुछ भी कर लेता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी टीम में वो अपने काम को लेके एक्साइटमेंट नहीं देख पाता। एक दिन वो एक सेमिनार में जाता है और वहां वो स्टोरी टेलिंग की अहमियत को सुनता है। तो वो फैसला करता है कि वो अपने लीडरशिप स्टाइल में स्टोरी टेलिंग को इंक्लूड करेगा। वो अपने अपने ख्यालात, अपने तजर्बात और अपने अपने लेसन्स लोगों को बताता है। वो देखता है कि लोगों में तब्दीली आना शुरू हो गई है, लोग उसकी बात सुनने लगे। इस तरह से उसमें और उसकी टीम में इमोशनल कनेक्शन भी डिवेलप हो गया है, लोग उसकी बात को अहमियत देने लग गए। और वो नोट करता है कि वो खुद भी अपने आप में बेहतर लीडर फील कर रहा है। लोग उसकी बात को सुनते हैं, उसकी बात को अहमियत देते हैं। इसी तरह इस आर्टिकल में के स्टार्ट में भी एक सीईओ की एग्जांपल दी गई है, जो जो एक प्रेजेंटेशन दे रहा होता है अपनी टीम को, और उसकी टीम उसमें बहुत बोर फील कर रही होती है, बिकॉज वो प्रेजेंटेशन फुल ऑफ स्लाइड्स होती है, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, राइट, जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन थ्रो की जा रही होती है लोगों पे। और वो सबका एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन यही ख्याल होता है कि ये फुल ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम था, टोटली वेस्ट ऑफ टाइम था, ठीक है, लेकिन वो उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे होते। आप सब अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने अपने कैरियर्स में ऐसी प्रेजेंटेशंस को रिलेट कर सकते हैं, राइट। तो प्रेजेंटेशंस या कुछ भी आपकी एक्टिविटी है, उसमें स्टोरी टेलिंग आपकी आपकी बात की अहमियत को बदल सकती है। जो स्मार्ट लीडर्स हैं उनको इस बात का पता है कि स्टोरी टेलिंग ना सिर्फ एक सीक्रेट वेपन है बल्कि एक बेहतर कम्युनिकेशन टूल भी है, राइट। ये वो स्किल है जो सब में नहीं होती, ये वो स्किल है जो जो लोगों में कम होती है। देखिए, जो स्टोरी टेलिंग है वो इफेक्टिव लीडरशिप के लिए एक की तरह है। जिस तरह एक चाबी से ताला खुलता है, इसी तरह स्टोरी टेलिंग से आप अपनी टीम के दिल और दिमाग को ओपन कर सकते हैं और वहां तक पहुंच सकते हैं, उनमें वो बात एब्जॉर्ब करवा सकते हैं जो वो यूजुअली शायद उस तरह से एब्जॉर्ब ना कर पाते। स्टोरी टेलिंग की एग्जाम्पल आपको पॉलिटिक्स और बिजनेस दोनों में नजर आती है। पॉलिटिक्स में देखें तो नेल्सन मंडेला की एग्जाम्पल लेते हैं। वो अपने तजर्बात बताकर, अपनी स्टोरीज बताकर लोगों में अपनी अपनी नेशन को रेनबो नेशन में बदल देता है, या साउथ अफ्रीका को रेनबो नेशन में बदल देता है। इसी तरह दूसरी तरफ हम एग्जांपल लेते हैं स्टीव जॉब्स की, तो स्टीव जॉब्स भी पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग पे बिलीव करता है। एक दफा स्टीव जॉब्स ने कहा कि द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड इज अ स्टोरी टेलर। द स्टोरी टेलर सेट्स अ विजन, वैल्यूज एंड एजेंडा ऑफ द एंटायर जनरेशन दैट इज टू कम। देखिए, स्टोरी टेलिंग से आप वो इंफॉर्मेशन या वो चीजें एब्जॉर्ब नहीं करवा पाते अपनी टीम में जो आप स्टोरी टेलिंग से करवा सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि बेहतरीन स्टोरी टेलर बना कैसे जाए। देखिए, स्टोरी टेलर बनना ऐसे ही है जैसे आप कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं। जिस तरह आपको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखते हुए आप सीखते हैं, गलतियां करते हैं, डिफरेंट नोट्स में गलतियां करते हैं, लेकिन आप उसको उसको रिपीट करते हैं और उसको बेहतर करते चले जाते हैं, राइट। और फिर आप उसको दिल से परफॉर्म करते हैं। जब आप दिल से परफॉर्म करते हैं तो ही आप दिल तक पहुंच सकते हैं, राइट। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं एक स्टोरी टेलर की, जो कि बहुत उसको स्टोरी टेलिंग का शौक होता है, बहुत ज्यादा कहानियां सुनाने का शौक होता है, लेकिन वो स्ट्रगल कर रही होती है कि लोग या ऑडियंस उसको तवज्जो ही नहीं देते, उसको सुनते ही नहीं। तो एक दफा वो मिलती है एक पुरानी ओल्ड स्टोरी टेलर से और वो उससे पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। वो उसे बताती है कि अच्छा स्टोरी टेलर बनने के लिए उसको कुछ स्टेप्स करने होंगे, जिसमें से नंबर 1 ये है कि उसको ऑनेस्टी करनी होगी। शी शुड ट्राई टू बी ऑनेस्ट,
ऑनेस्टी से मुराद ये है कि वो अपने तजर्बात, अपने लेसन्स खुल के लोगों को बताए। नंबर टू, अब उसे ये सिर्फ उसी के मुतालिक नहीं है, उसको सिर्फ अपने बारे में नहीं बताना, उसको और चीज़ों को भी रिलेट करना। फिर उसको लोगों को इमोशनली भी अपील करना चाहिए उनकी स्टोरीज़ को, ताकि वो इमोशनली उसके साथ कनेक्ट हो सकें। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर पे उसको उनको हीरोज जर्नी पे लेके जाना है, जिस हीरो के बारे में वो सोचते हैं, और फिर उसको डिफिकल्ट टॉपिक्स को भी टच करना है, उन डिफिकल्ट टॉपिक्स को जो कोई नहीं टच करता। सो शी शुड शाइन अ लाइट ऑन ऑल थिंग्स। पांचवें नंबर ये था जी, पांचवा नंबर। अब छठे नंबर पे हम बात करेंगे कि अब उसे इट्स नॉट अबाउट ऑल दीज थिंग्स, लेकिन उसको अब एग्जाम्पल भी सेट करनी है, एंड शी शुड नॉट होल्ड बैक। राइट, अब उसको मिसाल बनना है बाकियों के लिए, और वो सारी चीजें बतानी है जो उसने जिंदगी में की हैं, और उससे उसको क्या क्या लेसन्स मिले हैं, और वो दूसरों की मदद किस तरह से कर सकते हैं। राइट, इस आर्टिकल में भी इन्हीं छह पॉइंट्स का जिक्र किया गया। आपको लोगों को लेसन्स बताने, आपको लोगों को अपने तजर्बात बताने। देखिए, आप ऑनेस्टी के साथ ही सब कुछ बता के लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। आपको लेकिन ऑनेस्टी के साथ अपने फियर्स भी बताने होंगे, अपने फ्यूचर भी बताना होगा, अपने फेलियर्स भी बताने होंगे, अपनी सक्सेसेस भी बतानी होंगी। राइट, आपको लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट भी करना होगा। राइट, आपको लोगों को हीरोज जर्नी पे भी लेके जाना होगा। आपको लोगों को वो डिफिकल्ट टॉपिक भी टच करने होंगे जो वो आमतौर पे नहीं किए जाते, ताकि वो अपनी अपनी सिचुएशंस के साथ चीज़ों को कनेक्ट कर सकें, रिलेट कर सकें, और अपने 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 चैलेंजेस को फेस कर सकें। उन चैलेंजेस से बाहर निकलने के लिए आपको अपने लेसन बता के उनकी मदद भी करनी होगी। ठीक है, अपनी पेनफुल स्टोरीज, अपनी शेमफुल बिलीव्स, अपने स्ट्रेसफुल थिंग्स भी बता के उनको उनकी सिचुएशंस के साथ रिलेट करके बताना होगा कि किस तरह से वो उससे बाहर निकल सकते हैं। और जब आप अपना बताते हैं कि आप उससे किस तरह से बाहर निकले थे, तो वो उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट होती, और उस एग्जाम्पल के जरिए वो बेहतर से बेहतर फिर परफॉर्म कर सकते हैं, वो अपने आप को उससे बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं। तो आपको उनके साथ कनेक्ट करना है, जब कनेक्ट करेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली उसको एब्जॉर्ब करेंगे। देखें, एम्पथी और कंपैशन स्टोरीज में बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह होते हैं। राइट, और ये जिस जिस तरह से आप उनको कनेक्ट करते हैं, वो उनके दिल में उतरते हैं, और जो स्टोरी टेलर होता है वो अच्छा लीडर स्टोरी टेलर टेलिंग के जरिए लोगों को एम्पथी से एम्पथी में और एम्पथी से एक्शन में बदल सकता है। राइट, इस डिस्कशन को, आज के इस आर्टिकल को मैं इस तरह से क्लोज करूंगा कि स्टोरी टेलर बनना एक शेफ बनने की तरह है। जिस तरह से एक शेफ के पास बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और लेकिन उन इंग्रेडिएंट्स को राइटली मिक्स करना और राइट टेम्परेचर पे कुक करने से ही बेहतरीन, डिलीशियस और मेमोरेबल डिश बन सकती है, इसी तरह स्टोरी टेलर के पास भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, और हर लीडर उसको बेहतरीन तरीके से, उसको राइट टाइम पे राइट डॉट्स के साथ कनेक्ट करके ही बेहतरीन स्टोरी टेलर बन सकता है और बेहतरीन लीडर बन सकता है। राइट, सो दिस वाज टुडेज डिस्कशन जी। होपफुली आप भी स्टोरी टेलिंग को अपने लीडरशिप स्टाइल में इंक्लूड करके बेहतरीन रिजल्ट्स ले सकेंगे और इफेक्टिव लीडर बन सकेंगे। इस आर्टिकल का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो लोग इसको कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, दे कैन रीड इट फ्रॉम इनसाइड नॉलेज। थैंक यू वेरी मच, विल कम अप विद अ न्यू वन। थैंक यू।